नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यानी कि जो मेरी टेलीग्राम की चैनल है VIP एडिटिंग, उसमें आप जाके ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करके आप नोट वीडियो एप्लीकेशन में फ़ोटो चेंज करके खुद का स्टेटस बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपने जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। बाद में आपको यहाँ सर्च में लिखना है, VIP एडिटिंग लिखना है और ये जो चैनल है वो खोल लेना है। चैनल खोलने के बाद यहाँ पे ये वीडियो के लिंक के नीचे ही मैं ये जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ पे दे दूँगा। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अभी प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको दूसरी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी ज़काइवर एप्लीकेशन खोलने के बाद आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी जो कि रार फाइल होगी। तो दोस्तों, बाद में आपको यहां पे क्लिक कर लेना है, उस रार फाइल पर आपको यहां क्लिक कर लेना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। तो आप जब भी एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो बीच बीच में पासवर्ड डाला गया है वही पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। तो मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। अभी आपको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे जो रार फाइल थी वैसे ही आपके पास ये जो जिप फाइल है वो आ जाएगी। अभी दोस्तों आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद जो मेन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नोट वीडियो एप्लीकेशन, तो नोट वीडियो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। बाद में दोस्तों यहाँ पे जो इंपोर्ट लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इंपोर्ट पर क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ पे जो लॉट प्रोजेक्ट जिप लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल के फोल्डर में चले जाना है। तो आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है एक्सट्रैक्ट की है, जो कि जिप फाइल है, वो जिप फाइल आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप जिप फाइल यहाँ सिलेक्ट करते हो तो ये जो जिप फाइल है यहाँ ऊपर की तरफ आ गई है। तो उस जिप फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। जिप फाइल पर आप जब भी क्लिक करते हो तो दोस्तों ये जिप फाइल नोट वीडियो एप्लीकेशन में इस तरह खुल जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी आपको यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो यहाँ सभी फ़ोटो दिए गए हैं, जो कि PNG फ़ोटो है और कुछ बैकग्राउंड फ़ोटो यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो चेंज या डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन फ़ोटो है, योर फ़ोटो करके मैंने लिखा है, तो यहाँ से आप मेन फ़ोटो रिप्लेस करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो के आगे आ जाऊँगा। यहाँ पे इस तरह वीडियो के आगे आना है। तो यहाँ पे आपको जो मेन फ़ोटो दिख रहा है ये वाला, तो दोस्तों ये फ़ोटो मैं चेंज करके आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैं फ़ोटो चेंज कर रहा हूँ। तो फ़ोटो चेंज करने के लिए सबसे पहले तो जो फ़ोटो आपको चेंज करना है उस फोटो पर आपको क्लिक करना है। बाद में आपको तीन लाइनिंग पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस पर आपको क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और इमेज पर क्लिक आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल के सभी फोल्डर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका कोई कटिंग किया हुआ फ़ोटो हो
या फिर कोई दूसरा फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने ये जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ये जो फ़ोटो आ गया है, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ आपको फ़ोटो दिख रहा है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे फ़ोटो अपने को यहाँ अच्छी तरह दिख रहा है। तो दोस्तों अभी आपको उस फ़ोटो पर क्लिक करना है और इस तरह आपको ये फ़ोटो को इस तरह आप सेट कर सकते हो। इसको ऊपर ले आना है, उसकी जो साइज़ है यहाँ से आप बढ़ा सकते हो और यहाँ पे अच्छी तरह सेट कर देना है। तो अभी ये जो फ़ोटो है वो सेट हो गया है। अभी यहाँ पे आपको जो टैक्स नज़र आ रहा है, ये वाला जो टैक्स है उसका नाम मैंने यहाँ PNG टैक्स करके लिखा हुआ है। ये जो टैक्स है PNG टैक्स है और ये जो आप देख रहे हो ये फ़ोटो मैं आपको चेंज या डिलीट करके दिखाऊंगा। अभी आपको ये फ़ोटो डिलीट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस फ़ोटो को डिलीट कर सकते हो। अभी ये फ़ोटो ये डिलीट हो चुका है। अभी दोस्तों इतना होने के बाद आपको अगर इस वीडियो में सॉन्ग ऐड करना है तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, लॉट फ्रॉम फाइल लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है, तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और ऑडियो फाइल में चले जाना है। तो यहाँ से आपको कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है 30 सेकंड का। तो मैं अभी यहाँ पे कोई भी 30 सेकंड का सॉन्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया है और ये जो सॉन्ग है यहाँ पे आ चुका है, ये सॉन्ग यहाँ आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये सॉन्ग है आप देख सकते हो 3 मिनट का है, 3.5 मिनट का। तो आप इस सॉन्ग को कट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग कट करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपने क्लिक कर लेंगे, बाद में आपको यहाँ यहाँ पे क्लिक कर लेना है एक बार। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपको वीडियो के आगे जाना है इस तरह। तो यहाँ पे आपको सेकंड नज़र आ रही है तो वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 30 सेकंड आपको कर देनी है और यहाँ 0 कर देंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डंडी आपको दिख रही है वाइट कलर की, वो 30 सेकंड तक आ चुकी है। अभी आपको यहाँ पे सीज़र पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पीछे का पार्ट कट नज़र आएगा। अभी आपको उस पार्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है और उसको डिलीट कर देना है। तो अभी ये जो सॉन्ग है ये 30 सेकंड का हो चुका है, यहाँ देख सकते हो 30 सेकंड का सॉन्ग हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप कोई भी सॉन्ग कट कर सकते हो। अभी ये जो वीडियो है वो रेडी है, तो अभी ये वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक ग्रीन बटन है वहाँ क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी कुछ, ये प्रोसेस होने के बाद आपका ये जो वीडियो है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।